नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक सुबह सुबह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह की शुरुआत करेंगे राजस्थान के अलवर से, जहां पर थानागाजी गैंगरेप पर मचे बवाल के बीच गैंगरेप पर पूरा राजस्थान एक तरीके से उबला हुआ है। और मंगलवार को राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीना के समर्थक और पुलिस के बीच भी यहां पर हिंसक झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच रेल प्लेटफॉर्म पर जमकर पथराव हुआ और हालात को काबू में पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। दरअसल किरोड़ीलाल मीना का जयपुर कूच का कार्यक्रम था, लेकिन वो दौसा में ही ट्रैक पर पहुंच गए और इसके बाद समर्थकों ने ट्रैक जाम कर दिया, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुलिस ने उनको रोका तो हालात बेकाबू हो गए। समर्थकों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई और खबर ये भी है कि 15 से 20 लोगों को चोटें भी आई हैं। किस तरीके से हंगामा कर रहे थे, हालांकि उनको रोकने के लिए भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया था। झड़प भी हुई लेकिन उसके बाद 15 से 20 लोगों को चोटें भी आई हैं। यूपी के कुशीनगर में जमीन विवाद को लेकर पहले एक महिला की मौत हुई और इसके बाद मौत से आक्रोशित लोगों ने महाभारत छेड़ दिया। स्थानीय लोगों ने महिला के शव के साथ सड़क पर हंगामा किया, प्रदर्शन किया। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। दरअसल जमीन के एक पुराने मामले में कई बार पुलिस और राजस्व विभाग को शिकायत की गई, लेकिन किसी ने भी महिला की सुध नहीं ली। बार बार शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामला रफा दफा करती हुई नजर आई और इसी झगड़े में महिला की मौत भी हो गई, जिससे लोगों में काफी गुस्सा भी था, जिसको लेकर लोग भड़क उठे। खबर राजस्थान के कोटा से, जहां पर अतिक्रमण हटाने गई टीम पर ही लोगों ने आक्रमण कर दिया। स्थानीय महिलाओं ने अतिक्रमण हटाने गई टीम के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया, पुलिस कर्मियों के साथ भिड़ गई और नौबत ऐसी आ गई कि पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हो गए। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तब जाकर हालात संभले। दरअसल इन लोगों ने मीराबाई आवासीय योजना की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा जमा रखा था, जिसे हटाने के लिए प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची थी। बिहार के सुपौल में सड़क हादसे में मासूम की मौत पर हंगामा खड़ा हो गया। यहां अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक बच्ची की मौत हो गई और एक बच्ची घायल हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और आगजनी की। घंटों तक प्रदर्शनकारी इसी तरीके से सड़क पर डटे रहे। पुलिस और प्रशासन ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने और इसके बाद जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरीके से समझा बुझा कर सड़क को खाली करवाया गया। खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से, और सेक्टर 104 में बीच सड़क पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ऑटो अचानक धू-धू कर जलने लगा। बीच सड़क पर ऑटो से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। और उस ऑटो की तस्वीर दिखाएं, उससे पहले जरा ये तस्वीर देखिए, ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है। पार्किंग से बाइक निकल रही थी और दूसरी तरफ से तेज रफ्तार में गाड़ी आ रही थी और किस तरीके से गाड़ी और बाइक की टक्कर हुई और उसके बाद उछलकर बाइक वाला दूसरी तरफ जा गिरा। हालांकि उसके बाद वो उठ खड़ा हुआ और उस गाड़ी वाले के पास भी पहुंचा। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसी को कहते हैं। और ये नियम सिर्फ सड़क पर ही लागू नहीं होता है बल्कि पार्किंग और आपकी सोसाइटी के अंदर भी लागू होता है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इन तस्वीरों को देखिए और आप खुद ही समझ जाएंगे कि हालात जरा सी सावधानी अगर हट जाए तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें गैलेक्सी वेगा अपार्टमेंट की है, जहां पर स्कूटी सवार तेजी से पार्किंग से निकल रहा था, दूसरी तरफ से गाड़ी भी उतनी तेजी से आ रही थी। दोनों की जबरदस्त टक्कर हो गई और स्कूटी सवार उछलकर
दूसरी साइड गिर गया। बाद में मौके पर लोग जमा हो गए और युवक उठाए, लेकिन गनीमत ये रही कि उसे ज्यादा चोटें नहीं आई। क्या बढ़ती गर्मी आपकी बाइक में आग के शोले भड़का सकती है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के वाशिम में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां एक बाइक सवार अपनी बाइक खड़ी कर गोलगप्पे खाने चला गया। जैसे ही वो बाइक खड़ी करके वहां से हटा, बाइक से अचानक धुआं उठने लगा और देखते देखते बाइक लपटों में गिर गई। कुछ ही मिनटों में पूरी बाइक जलकर राख हो गई। वैसे आग लगने की वजहों का तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन जब ये घटना घटी उस वक्त वहां का पारा 42 डिग्री सेल्सियस था। आप देख रहे हैं सुबह सुबह, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। और सुबह सुबह में हम आगे बढ़े उससे पहले हम आपको दिखाते चले कि बुलेटिन में आपके लिए आगे क्या खास रहेगा। आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बंगाल में आखिरी दौर के चुनाव से पहले बवाल मचा हुआ है, साथ ही क्यों साध्वी प्रज्ञा 40 मिनट तक भोपाल की जेल में रुकी, कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर को क्यों दिखाना पड़ा मुक्का और कहां शत्रुघ्न सिन्हा ने किया प्रचार और इफ्तार। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान जमकर बवाल हुआ। शाह के रोड शो में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। कार्यकर्ताओं में आपस में ही मारपीट शुरू हो गई और पत्थर चले। इसके साथ ही सड़कों पर अगजनी भी देखी गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लगे बीजेपी के पोस्टर फाड़ डाले और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें भी आई हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा का दौर जारी है। जमानी जंग के बाद अब मारपीट की नौबत भी आ चुकी है। सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी दादागिरी दिखाने का आरोप लगा रही है। जिस प्रकार की हिंसा ममता बनर्जी की पार्टी यहां पर कर रही है, मैं उसकी निंदा करता हूं और बंगाल की जनता को अपील करता हूं कि अंतिम चरण का जो चुनाव है उसमें हिंसा का जवाब शांति से दे, मतदान से दे और बंगाल में हमेशा के लिए हिंसा की राजनीति को बंद करने के लिए तृणमूल कांग्रेस को बंगाल से एक बार परास्त करना जरूरी है। আমি দিল্লিতে তোমার ঘর দখল করতে পারি, তুমি জানো তো আমি আন্দোলন করা লোক, তোমার ওই বিজেপি অফিসে নিতে আমার এক সেকেন্ড লাগে। मंगलवार को देर रात भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा पुरानी जेल पहुंची और वो जेल में करीब 40 मिनट तक रुकी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर साध्वी प्रज्ञा को जेल क्यों जाना पड़ा। दरअसल साध्वी प्रज्ञा पुरानी जेल में बने ईवीएम स्ट्रांग रूम का जायजा लेने के लिए पहुंची थी। साध्वी प्रज्ञा ने यहां जेल परिसर में ईवीएम की सुरक्षा का जायजा लिया और स्ट्रांग रूम भी चेक। हालांकि वो मीडिया से कुछ नहीं बोली और जायजा लेकर सीधे निकल गई। उनके साथ आए शिवराज सरकार के पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। अभी कमी है आपका कहना है और लिख के देंगे। क्या क्या कमी लग रही है कुछ सारों मतलब लिख कर देंगे, कल बताएंगे, लिख कर ये लेना कब सब बताएंगे दीदी, लिख के जो कमी देंगे कल लिख के देंगे, कल लिख कर देंगे, कल लिख कर देंगे। आपने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बिगड़ी जुबान तो देख ली, लेकिन क्या आपने मणिशंकर अय्यर की मुक्केबाजी स्टाइल देखा है? सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन शिमला में मणिशंकर अय्यर का मुक्केबाज अवतार भी देखने को मिला। यहां मीडिया कर्मी के एक सवाल पर मणिशंकर अय्यर को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे मुक्का दिखाते हुए मारने तक की धमकी दे डाली। सवाल करते हो सर, नो रिजल्ट, रिजल्ट का आइडिया। थैंक यू वेरी मच सर। आप नाराज मत हो, आप इतने, मैं नाराज हो रहा हूं क्योंकि तुमने गलत इस्तेमाल किया। सॉरी, मैंने मुझे ऐसे सवाल करते हो सर, आजकल के करंट में। और मीडिया कर्मी को मुक्का दिखाने से पहले मणिशंकर अय्यर प्रधानमंत्री मोदी की नकल भी उतारते नजर आए। वो चिल्ला चिल्लाकर पीएम के भाषण का अंदाज दिखा रहे थे। ऐसे बस मंच पर चलो, 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 ऐसे बस मंच पर चलो। वो आपसे नहीं बात करते हैं क्योंकि वो डरपोक है और बात नहीं करते हैं मीडिया से।
बस मंच पर चलो क्या बस मंच पर। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी में प्रियंका गांधी की रैली होने वाली थी, लेकिन खराब मौसम से उनकी रैली नहीं हो पाई और उस पर ब्रेक लग गया, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया जनता के लिए। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आज बहुत दिल कर रहा था कि मैं मंडी आऊं, आप सबसे मिलूं और प्रोग्राम भी लगा था, लेकिन मौसम बहुत खराब हुआ और हेलीकॉप्टर के पायलटों ने इजाज़त नहीं दी उड़ने की। सुबह से मैं दिल्ली में इंतज़ार कर रही थी कि हो सके कि रास्ते में मौसम खुल जाए और मैं आपके पास आ पाऊँ, लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि बिल्कुल उन्होंने मना कर लिया और मैं आ नहीं पाई। देश में माहौल चुनाव का है और मौसम फलों के राजा आम का। अब भला आम कैसे सियासत में एंट्री मारे बिना रह सकता है। अब आम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में हमले शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा की रैली से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। हिंदुस्तान में भयंकर बेरोजगारी और नरेंद्र मोदी अपने इंटरव्यू में देश को आम खाना सिखा रहे हैं। मैं जमीन से आम नहीं खाता हूं, पेड़ पर चढ़कर मैं आम तोड़ता हूं और फिर उसे खाता हूं। पेड़ से जो आम तोड़ा जाता है वो ज्यादा स्वादिष्ट होता है, पूरे देश को नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। चलिए आम के बाद अब बात कर लेते हैं खास की, और इस बार चुनाव में आम, सेना का शौर्य, सम्मान और पाकिस्तान सब कुछ पर वोट मांगे जा रहे हैं। यूपी के कुशीनगर में मध्य प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मसूद अजहर के बहाने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और मसूद को लादेन की मौत मरने की बात कही। अजहर मसूद जिसको 20 वर्षों में वैश्विक आतंकवादी कांग्रेस नहीं बना पाई, मोदी जी ने उसे वैश्विक आतंकवादी बना करके आज दुनिया में उसकी सभी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। और यही नहीं, ये मान के चले अजहर मसूद की भी गिनती, उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। एक दिन आप भी देखेंगे ओसामा बिन लादेन की तरह अजहर मसूद भी कुत्ते की मौत मारा जाएगा। चुनावी माहौल है, रमजान भी चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर सियासत कैसे ना हो। बात करेंगे कांग्रेस नेताओं के प्रचार और रफ्तार की। पटना साहिब से कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद मंगलवार को पटना में एक इफ्तार आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ कुछ और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे। इफ्तार का आयोजन पटना के समाजसेवी कैशर खान की तरफ से किया गया था। आयोजन में कांग्रेस नेताओं ने जमकर दावत का लुत्फ उठाया। टेबल पर इफ्तार के साथ वोट की बात हुई। मीडिया से बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री पर निशाना भी साधा। जो अहंकारी ऐसी बातें कर रहा है दुनिया जानती है, गरूर में दम में चकनाचूर है, मदमस्त हाथी की तरह बिहेव कर रहे हैं वो अपना माननीय प्रधानमंत्री जी। अब लगता है बहुत बुरी तरह से बौखला गए हैं, हताशा दिखाई पड़ रही है, निराशा दिखाई पड़ रही है, जो उनके हार का ये प्रतीक है, परिचायक है। यूपी के सिद्धार्थनगर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने दो गाड़ियों को ईवीएम लादकर परिसर से बाहर निकलते देखा, और इसके बाद कांग्रेस और महागठबंधन के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर ही बैठ गए और प्रदर्शन नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की अधिकारियों के साथ झड़प भी हुई। गठबंधन ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है। बेटा चुनावी मैदान में और पिता प्रचार में, देओल परिवार में आजकल यही सब चल रहा है। बेटे सनी देओल को गुरदासपुर से जुटाने के लिए धर्मेंद्र ने भी कमर कस ली है और कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मंगलवार को धर्मेंद्र विधानसभा हलका पठानकोट में सनी देओल के प्रचार के लिए पहुंचे थे और लोगों से अपने बेटे को जुटाने की अपील की। बस एक दौर का चुनाव बाकी है और नतीजों को लेकर नेताओं में बेचैनी शुरू हो गई है। मतदान के बाद हर कोई अपनी जीत के लिए ऊपर वाले की शरण पहुंच गया है। कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मां बगलामुखी की शरण में पहुंचे। राज बब्बर ने यहां विशेष अनुष्ठान करवाया और मां की पूजा अर्चना की और इस दौरान वो मीडिया से दूर ही रहे। रास्ता छोड़
सर बात कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए? आईपीएल में मुंबई इंडियंस की जीत का जश्न लगातार जारी है। मुंबई इंडियंस की जीत से नीता अंबानी काफी खुश है। मंगलवार रात को नीता अंबानी आईपीएल ट्रॉफी के साथ सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने पहुंची। नीता अंबानी ने यहां ट्रॉफी के साथ फोटो भी खिंचवाई। तस्वीरें देखिए, सिद्धिविनायक मंदिर में अंबानी परिवार की काफी आस्था है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।